हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आवाज़ इलेक्ट्रॉनिक में। आज हम बनाने वाले ये ब्लूटूथ स्पीकर। देखिए, ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है, ये कुछ टाइम बाद बजने के बाद ये इसकी आवाज़ कटने लगती है। गाज ये 2 से 4 मिनट बजता है, फिर इसकी आवाज़ कट कट के आने लगती है। तो हम इसे बनाएंगे अभी। इसकी प्रॉब्लम यह है कि जो इसका आईसी है, ब्लूटूथ आईसी और एम्पलीफायर आईसी, ये दोनों गर्म होते होंगे, इसीलिए इसकी आवाज़ कटती है। तो चलिए, इसे पहले मैं खोल लेता हूँ। यहाँ पे इसके 2 स्क्रू रहते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, मैं इसे खोल लेता हूँ। सो गाइस, मैंने इसके दोनों स्क्रू खोल लिए अभी। और देखिए, इसे खोलने के बाद देखिए, इसकी बैटरी है जो 3.7 वोल्ट की होती है। और यहाँ पे कोई रबड़ है गाइस। देखिए, इसका मदरबोर्ड है ब्लूटूथ का, और ये स्पीकर है, और पीछे एक लाइट है जो मैं आपको ग्लो करके दिखाता हूँ अभी। सो गाइस, मैं आपको ये बना करके दिखाता हूँ अभी, जूम करके आपको दिखाता हूँ कि इसकी आईसी। देखिए, ये इसकी ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है, और ये इसकी ब्लूटूथ आईसी है। तो ये दोनों ही गर्म होते हैं, इसीलिए इसमें आवाज़ कटती है। तो हम दोनों के ऊपर एक छोटी छोटी हीट सिंक लगा देंगे, जिसकी वजह से ये आईसी इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होगी, इसलिए उसकी आवाज़ कटेगी नहीं। सो गाइस, इसमें हीट सिंक लगाने के लिए मैंने एक हीट सिंक ले लिए, और इसको हम आरी के द्वारा इसे छोटा सा कट मार के और एक स्क्वायर टाइप का काट लेंगे हीट सिंक। चलिए, मैं काट लेता हूँ। मैंने हीट सिंक का पीस कट कर लिया उसी में से, और चलिए अभी इसमें एक छोटा सा पीस कट कर लेता हूँ मैं। देखिए, मैंने थोड़ा सा पीस कट कर लिया है, जो हम ब्लूटूथ के आईसी में लगा देंगे कुछ इस तरह। मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह हमको लगाना है ये ब्लूटूथ के आईसी में। चलिए, मैं लगाता हूँ फैब्रिक से। सो आप देख सकते हैं कि मैंने ये हीट सिंक इसमें चिपका दिया है, और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी कंपोनेंट में टच नहीं करना। देखिए, मैंने किस तरह लगाया, देखिए किसी कंपोनेंट में टच नहीं है। तो चलिए, इसी तरह एम्पलीफायर के ऑडियो एम्पलीफायर के आईसी में भी लगा लेते हैं छोटा सा हीट सिंक। मैं छोटा सा हीट सिंक कट कर लेता हूँ इस प्लायर से। मैंने इतना सा पीस कट कर लिया है, इसे हम ऑडियो आईसी पे कुछ इस तरह फेवकी से चिपका देंगे। चलिए, मैं आपको चिपका करके दिखा रहा हूँ। मैंने ऑडियो आईसी के ऊपर भी हीट सिंक को अच्छी तरह से चिपका दिया, देखिए फेवकी के द्वारा। और अभी चलिए, इसे पैक कर देता हूँ मैं, और फिर आपको ये टेस्ट करके दिखाता हूँ। सो मैंने इसके दोनों स्क्रू भी लगा दिया, उसको रबड़ भी लगा दिया। तो अभी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। लाइट ऑफ कर देता हूँ। मैं प्ले करके दिखाता हूँ अभी। देखिए, अंधेरे में कितना अच्छा दिख रहा है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस प्रोजेक्ट के द्वारा आपके पास अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।